नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एलटी ग्रेड एग्जाम प्रिपरेशन के अंतर्गत जीएस के क्वेश्चन मॉडल पेपर को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। परीक्षा में अब बहुत ही कम दिन शेष हैं, इसलिए हमने एग्जाम का जो पैटर्न है उस पैटर्न पर आधारित और जीएस का जो सिलेबस है उसमें जितने भी टॉपिक दिए गए हैं हर टॉपिक से हमने इसमें जो है इस वीडियो में हमने सारे क्वेश्चन को कवर किया हुआ है और प्रश्नों का स्तर बिल्कुल वही रखा है जो कि परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे और जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का स्तर है। तो इस वीडियो से आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। मैं आपको बता दूं कि जो जीएस का पोर्शन होगा उसमें आपसे 30 सवाल पूछे जाएंगे, इसलिए इस मॉक टेस्ट में भी हमने 30 क्वेश्चन रखे हैं, 30 एमसीक्यूज रखे हैं। सही जवाब देने पर आपको एक अंक मिलेगा और गलत उत्तर देने पर एक तिहाई अंक काट लिए जाएंगे। यही प्रारूप परीक्षा में भी रहेगा और यही प्रारूप हमने यहाँ पर भी फॉलो किया हुआ है। आपको ये भी बता दें कि कुल 30 प्रश्नों का यह मॉक टेस्ट है। सभी प्रश्न वास्तविक रूप में आयोग की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रारूप पर निर्भर हैं। इस मॉक टेस्ट का उद्देश्य है कि आपको परीक्षा के प्रारूप से परिचित कराया जाए और परीक्षा के भय से आपको मुक्त कराया जाए और आपका स्कोर बेहतर किया जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, और उसके पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रियल टाइम पर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला सवाल है, मगध का कौन सा सम्राट अपरू परशुराम के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए बिंदुसार, बी अजातशत्रु, सी कालाशोक, डी महापद्मनंद। तो जो भी आपको उत्तर सही प्रतीत हो रहा है जल्दी से उसे आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। अगर आपने अभी तक नोटबुक और पेन नहीं लिया है तो वीडियो को पॉज करके आप नोटबुक और पेन ले लीजिए। मैं प्रश्न पढ़ूंगा, उसके ऑप्शन दूंगा और तत्काल बाद आपको गेस कर लेना होगा कि इसका उत्तर कौन सा है। आप क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, आगे जो भी विकल्प आपको सही लगता है आप उस विकल्प को यहाँ पे दर्ज कर लेंगे और उसके बाद मैं इस प्रश्न का उत्तर और उसकी व्याख्या आपको दूंगा और तत्काल आप गेस कर सकते हैं कि आपका उत्तर सही है। सही है तो आप सही का निशान लगाइएगा, इसका अर्थ होगा कि आपको एक अंक मिले, और गलत है तो आप क्रॉस कर दीजिएगा, इसका अंक हुआ कि आपको -1/3 अंक दे दिए गए हैं। ईमानदारी से आप इस मॉक टेस्ट को कंप्लीट कीजिए। तो शुरू करते हैं इस मॉक टेस्ट को, और पहला प्रश्न मैंने आपके लिए रखा है, मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए बिंदुसार, बी अजातशत्रु, सी कालाशोक, डी महापद्मनंद। जो सही विकल्प लग रहा है उसको आप नोट कर लीजिए, और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी महापद्मनंद। जैसा कि आपको पता है कि जो नंद एम्पायर था, नंद वंश था, ये 345 ईसा पूर्व से लेकर 321 ईसा पूर्व में मगध में राज्य करता था। 323 ईसा पूर्व में घनानंद जो कि मगध का सम्राट था और महापद्मनंद घनानंद का पिता था। तो आपको बता दें कि उस समय मगध का जो क्षेत्रफल था सबसे अधिक था, उसका प्रभाव सबसे अधिक था। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि अपरो परशुराम के नाम से महापद्मनंद को जाना जाता है, और कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि सर्वक्षत्रांतक की उपाधि किस सम्राट ने धारण की थी। तो आपको पता होना चाहिए कि सर्वक्षत्रांतक के नाम से भी महापद्मनंद को ही जाना जाता है। तो सही जवाब आपको पता हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है, अलबरूनी भारत में कब आया था? ऑप्शन ए 9वीं शताब्दी में, बी 10वीं शताब्दी में, सी 11वीं शताब्दी में, डी 12वीं शताब्दी में। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अलबरूनी भारत में 11वीं शताब्दी में आया था। किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ। आपको पता है कि महमूद गजनवी के साथ अलबरूनी भारत आया था। वह भाषा का काफ़ी जानकार व्यक्ति था, उसने एक किताब भी लिखी थी और उस किताब का नाम आपको पता है, उसको कहते हैं तहकीके हिंद। अगर इसकी हिंदी के बारे में बात करें तो इसका अर्थ होगा भारत की खोज। गजनवी के बारे में अगर बात करें तो गजनवी का जो जन्म हुआ था वो 2 सितंबर 1971 को हुआ था, 1971 को हुआ था, और मृत्यु हुई थी इसकी 1030 में, 1030 में इसकी मृत्यु हुई गई थी। लगभग 59 वर्ष तक ये जीवित रहा था, और गजनी का जो शासनकाल था गजनवी का वो था 997 से लेके 1030, यानी कि उसकी मृत्यु तक। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में उच्च न्यायालयों यानी कि हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो आपको जवाब देना है ऑप्शन ए 1861, बी 1851, सी 1871 या फिर डी 1881। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1861 में। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। चौथा सवाल है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ए जेबी कृपलानी, बी मौलाना अबुल कलाम आजाद, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर डी बी पट्टाभी सीतारमैया। और यहाँ पे सही जवाब है आपका ऑप्शन ए जेबी कृपलानी। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग साथ साथ हमारे क्वेश्चन आंसर करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर से कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। और इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, बी सिकंदर लोदी, सी गयासुद्दीन तुगलक या फिर डी फिरोज तुगलक। और सही उत्तर है ऑप्शन बी सिकंदर लोदी। आपको ये भी बता दें कि सिकंदर लोदी का जो कार्यकाल था, यानी कि वो दिल्ली का सुल्तान कब से कब तक रहा? 1489 से लेकर 1517 तक जो है सिकंदर लोदी ये दिल्ली का सम्राट रहा। अन्न के ऊपर से उसने कर की समाप्ति कर दी थी, यह एक महान कार्य माना जाता है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मसालों का बागान किस प्रदेश को कहा जाता है? ऑप्शन ए केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु या फिर डी गुजरात। और यहाँ पे सही विकल्प होगा आपका ऑप्शन ए केरल। केरल को मसालों का बागान कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में जैव भौगोलिक मंडलों की कुल संख्या कितनी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इसे याद रखिएगा। भारत में जैव भौगोलिक मंडलों की कुल संख्या है ऑप्शन ए 18। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ, इसमें से 9 यानी कि 50% जो हैं यूनेस्को ने मानव और जैव मंडल कार्यक्रम के तहत जैव मंडल रिजर्व के विश्व तंत्र की सूची में शामिल किया हुआ है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय दलहन शोध संस्थान, अगर आप यूपी पीसीएस या फिर आरओ परीक्षा यानी कि यूपी पीएससी की जो परीक्षाएं होती हैं, अगर उनके क्वेश्चन पेपर को आपने हल किया है, तो आपने देखा होगा कि ये सवाल पिछले 10 सालों में कम से कम 7 बार पूछा गया है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पर है? ए इलाहाबाद, बी फैज़ाबाद, सी कानपुर, डी इंदौर। और सही विकल्प है ऑप्शन सी, भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पेगिंग किस फसल को लगाने की प्रक्रिया है? ए गन्ना, बी शकरकंद, सी मूंगफली या फिर डी सोयाबीन। और सही जवाब है आपका पेगिंग मूंगफली को लगाने की विधि है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके नेक्स्ट, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, बी महान्यायाधिकर्ता, सी महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल या फिर डी महाधिवक्ता। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी महान्यायवादी। ठीक है, आपको ये बता दें कि राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत मंत्रिमंडल की सलाह पर महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। वर्तमान में महान्यायवादी कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए। वर्तमान में के वेणुगोपालन ये आपके अटॉर्नी जनरल हैं, यानी कि आपके महान्यायवादी हैं। ओके, और ये जो है 3 जुलाई 2017 से जो है कार्यरत हैं। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध करता है, यानी कि बाल श्रम का निषेध करने वाला कौन सा अनुच्छेद है भारतीय संविधान में? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 17, सी अनुच्छेद 23 या फिर डी अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24। और यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी अनुच्छेद 24, ये बाल श्रम का निषेध करता है। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्न अनुच्छेदों में से किस एक को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा जाता है? मुझे लगता है कि 2015 से लेके अब तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, मैं लगभग हर क्वेश्चन पेपर को देखता रहता हूं, वो किसी भी परीक्षा क्वेश्चन पेपर हो, और मैंने पाया है कि ये सवाल सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला सवाल है पॉलिटी के अंतर्गत, और इसका जवाब सबसे ज़्यादा गलत बार देने वाले का रिकॉर्ड भी है, क्योंकि इसके बारे में कभी कभी बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ प्रस्तावना को स्टिक कर देते हैं सही का और वो जवाब हो जाता है गलत। तो आज से आपका ये जवाब गलत नहीं होना चाहिए। इसका जवाब है कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 में क्या है? अनुच्छेद 32 में
जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो उसका वर्णन किया गया है। तो आज से याद रखिएगा कि संविधान का हृदय एवं आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। प्रस्तावना पे आप कतई टिक मत कीजिएगा अगर सवाल हो कि डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किस अनुच्छेद को माना है। जवाब होना चाहिए आपका अनुच्छेद 32। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए ये अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 15, बी 17, सी 18 या फिर डी 20। और इसका बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? जी हाँ, ऑप्शन डी इज करेक्ट। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की संख्या है 20। सही है जवाब है आपका 20। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है और इसका सही जवाब आपको देना है। ऑप्शन ए हैदराबाद, बी जोधपुर, सी अहमदाबाद या फिर डी बेंगलोर। और सही जवाब है इसका ऑप्शन बी जोधपुर। जोधपुर आपको पता है कि राजस्थान में पड़ता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, जीडीपी मामले का वर्तमान आधार वर्ष क्या है। देखिए आधार वर्ष के बारे में पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा इसका उत्तर गलत नहीं होना चाहिए और इसकी व्याख्या मैं यहाँ पे जो करने जा रहा हूँ वो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, इसे जहन में बैठा लीजिएगा। आपको बता रहे हैं जीडीपी मापने का वर्तमान आधार वर्ष क्या है। ऑप्शन ए 2004-05, बी 2011-12, सी 2016-17 या फिर डी 2017-18। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2011-12। ठीक है, 2015 में ये कर दिया गया था, 2011-12, 2015 से पहले जो आधार वर्ष था वो कौन सा था, 2004 और 5। और अप्रैल 2019 से, याद रखिएगा कि अप्रैल 2019 से यह आधार वर्ष बदलने जा रहा है। देखिए ये वीडियो जून 2018 में बनाया जा रहा है, अगर ये वीडियो आगे चल के आप देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान आधार वर्ष क्या है। अगर अप्रैल 2019 के बाद आप ये वीडियो वॉच करेंगे तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी 2017 और 18। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अप्रैल 2019 के बाद आधार वर्ष होगा 2017-18, वर्तमान में यानी कि जून 2018 में इसका उत्तर होगा 2011-12। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने शून्य आधारित प्राकृतिक खेती ZBNF स्केल आउट योजना शुरू की है। ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी तेलंगाना और डी आंध्र प्रदेश। और उम्मीद करता हूं कि आपने अपना उत्तर गेस कर लिया होगा और सही जवाब है ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। ठीक है, यहां पे आंध्र प्रदेश सही जवाब है और इसकी घोषणा की गई है 1 जून 2018 को आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू के द्वारा। और शून्य आधारित प्राकृतिक खेती का जो लक्ष्य है वो क्या है, 2024 तक लगभग 6 मिलियन किसानों को लाभ पहुंचाना इस परियोजना का उद्देश्य है। ओके, वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच नाम आपको पता होगा, जितने भी लोग हमारे साथ करंट अफेयर्स कर रहे हैं वो इन प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे रहे होंगे क्योंकि मैं करंट अफेयर्स के साथ साथ आपकी बैक हिस्ट्री भी अच्छे से तैयार करवाने की कोशिश करता हूं और हर प्रश्न की जो बैक हिस्ट्री होती है उसको भी बताता हूं, हर देश से जुड़ी हुई जो खास बातें होती वो भी बता रहा हूं। तो आप प्रतिदिन अगर 10 से 15 मिनट हमारे साथ सुबह रहते हैं करंट अफेयर्स के सेशन में तो निश्चित रूप से आपको ये पेपर कोई काफ़ी आसान लग रहा होगा, लेकिन नहीं रहते हैं तो अब से आप रेगुलर हो जाइए। वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने भारत की आर्थिक विकास दर चालू वित्त वर्ष के दौरान कितने प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया है और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 7.3%। हालांकि अगले वर्ष यानी कि 2019 के लिए यह अनुमान 7.5% रखा गया है, लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें इस सवाल के बारे में तो यहाँ पर है कितने प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है, तो सही जवाब आपका होगा बी 7.3%। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि इसका ऑप्शन मैं पढ़ नहीं पाया, लेकिन आपने उत्तर देखा होगा और गेस भी कर लिया होगा, नहीं कर पाए थे तो आई एम सॉरी, आगे ये गलती नहीं होने वाली है। चलो आगे बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने कुल निर्यात से प्राप्त धन का लगभग 2/3 चावल के व्यापार से प्राप्त करता है। ऑप्शन ए जापान,
बी थाईलैंड, सी इंडोनेशिया और डी म्यांमार। और सही जवाब क्या होगा, आपने गेस कर लिया होगा, सही जवाब है ऑप्शन डी म्यांमार। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विज्ञान के अंतर्गत, सामान्य विज्ञान के अंतर्गत ये बार बार पूछा जा रहा है, मैं देख रहा हूँ, इसलिए इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा और पता नहीं है तो याद कर लीजिएगा। ऑप्शन ए विटामिन ए, बी विटामिन बी सिक्स, ऑप्शन सी विटामिन सी या डी विटामिन के। और सही जवाब है आपका ऑप्शन बी विटामिन बी सिक्स, ये स्वप्न को लंबे समय तक याद रखने में सहायक होता है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने में निम्न में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए पॉली एमाइड्स, बी पॉली कार्बोनेट्स, सी पॉली एथिलीन, डी पॉली विनाइल क्लोराइड। और सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, ठीक है ऑप्शन बी, सॉरी इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है पॉली एमाइड्स, ये प्रयोग होता है बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने में। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से कौन एक कीट नहीं है। ऑप्शन ए खटमल, बी घरेलू मक्खी, सी मच्छर और डी मकड़ी। और आपको पता होना चाहिए कि इसमें से सही उत्तर क्या है, सही उत्तर है आपने गेस कर लिया होगा, सही उत्तर है ऑप्शन डी मकड़ी को कीट की श्रेणी में नहीं रखा जाता, ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। कौन सा प्राइमेट आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी है। ऑप्शन ए गिब्बन, बी गोरिल्ला, सी लंगूर, डी ओरंग उटैन। और सही जवाब क्या होगा, आपने गेस कर लिया होगा इसलिए मैं इसका उत्तर बता रहा हूँ, सही जवाब है ऑप्शन डी ओरंग उटैन, यह आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी माना जाता है। ठीक है अगला सवाल है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए नियासिन पेलाग्रा से, बी थायमिन वेरी वेरी, सी विटामिन डी सूखा रोग से और डी विटामिन के वंध्यापन से। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प जो है सही सुमेलित नहीं है, तो इसके लिए सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी विटामिन के। विटामिन के की कमी से क्या होता है, विटामिन के की कमी से आपके रक्त का जो थक्का होता है वो नहीं बनता है। ठीक है और बंध्यापन के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार है, विटामिन ई जिम्मेदार होता है बंध्यापन के लिए। ओके चलो आगे देखते हैं, अब आ गया आपका गणित और तर्क शक्ति पर आधारित सवाल। मैंने कहा था कि जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे मैं सारे टॉपिक को कवर करूंगा, क्योंकि इन्हीं टॉपिक्स पर आपको इसी प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे, तो मैं हर टॉपिक पर आपको सवाल यहाँ पे दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर, यदि किसी टैंक के एक तिहाई भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है तो आधा भरा होने पर उसमें कितना पानी आएगा। ऑप्शन ए 240 लीटर, बी 120 लीटर, सी 80/3 लीटर या फिर डी 100 लीटर। देखिए अगर ये सवाल आपको हल करना है तो आपको अधिक से अधिक 2 मिनट का समय दिया जा सकता है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके ये समय ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसे तुरंत हल कर लिया है तो निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 120 लीटर। और इसकी मैं व्याख्या भी यहाँ पे कर देता हूँ ताकि जो लोग नहीं जानते उनको पता चल सके। देखिए सवाल है कि यदि किसी टैंक के एक तिहाई यानी कि 1/3 हिस्सा जब भरा जाता है तो उसमें 80 लीटर पानी आता है, तो पूरा भरा होने पे कितना आएगा ये आपको पता होना चाहिए। अब एक तिहाई हिस्सा है 80, तो पूरा कितना होगा, 80 में आप क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आ जाएगा 240 लीटर, यानी कि जो टैंक है उसकी फुल कैपेसिटी कितनी है 240 लीटर है। ठीक है अब इस 240 लीटर का पूरा टैंक है तो आधा जब भरेगा तो 240 का आधा हो जाएगा और उसका मतलब होगा 240/2 यानी कि 120। और इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी। हालांकि अगर आप लोगों में से किसी को ये सवाल समझ में नहीं आया तो बेहिचक आप कमेंट कीजिएगा, हम अपने फेसबुक पेज पे इसे डिटेल में पेन और पेपर से लिख के पोस्ट कर देंगे ताकि आप वहां पे जाके अच्छे से इसे समझ सकें। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, एक सामान्य पासा आप समझ पा रहे होंगे, पासा समझते होंगे, उसमें 6 फलक होते हैं, आपको पता ही है पासे में कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। और आपने लूडो खेला होगा और आपने देखा होगा कि कोई भी संख्या 1 से अधिक बार नहीं लिखी जाती,
हर फलक पर लिखा जाता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 6 फलक और 6 संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल है कि एक सामान्य पासा दो बार उछालने पर प्रायिकता प्रोबेबिलिटी कि दोनों बार प्राप्त संख्याओं का योग 6 होगी। आपको यहाँ पे क्या पता करना है, प्रोबेबिलिटी पता करनी है। तो सामान्य पासा देखियो, इसके लिए एक फार्मूला यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, क्या होता है PE = यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर घटनाओं की संख्या यानी कि PN और इवेंट्स का नंबर बाई PE, इस तरीके से निकाला जाता है। आइए अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर घटनाओं की संख्या कितनी है, यानी कि PS भी कह सकते हैं आप, इसे NS भी आप कह सकते हैं, यहाँ पर मैं इसे PS लिखता हूँ। ठीक है, यानी कि घटनाओं की संख्या कितनी हो सकती है, दो पासे हैं, एक बार उछालने पर 6, दूसरी बार उछालने पर 6, यानी कि घटनाओं की संख्या यहाँ पर कितनी हो गई, 36 हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे अभीष्ट घटनाएं यानी कि दोनों बार प्राप्त संख्याओं का योग 6 हो, अगर पहले पासे में 1 आता है दूसरे में 5 आता है तो दोनों का योग 6 हो जाएगा, यानी कि अगर पहले पासे में 5 आए तो दूसरे में 1 आना चाहिए। अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, अगर पहले पासे में 2 आता है तो दूसरे में 4 आना चाहिए, यानी कि अगर पहले में 4 आता है तो दूसरे में 2 आना चाहिए। तीसरी कंडीशन ये है कि 3 हो और 3 हो, तो आप देख पा रहे हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर घटनाओं की संख्या, अभीष्ट घटनाओं की संख्या कितनी हो गई, 5 हो गई। तो आप देख रहे हैं कि कुल घटनाओं की संख्या कितनी है, 36 है, और अभीष्ट घटनाएं यानी घटनाएं जो कि दोनों बार प्राप्त संख्याओं का योग 6 हो कितनी हो रही, 5 हो रही है। तो आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए फार्मूला क्या यूज करेंगे, PE = घटनाओं की संख्या कितनी है, अभीष्ट घटनाओं की संख्या 5 और कुल घटनाओं की संख्या कितनी हो गई, 36। तो ये हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी 5/36 और सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन ए 5/36। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल उत्तर प्रदेश विशेष पर आधारित है, और एक बात और भी है कि उत्तर प्रदेश की जनगणना जो हुई थी वो 2011 में हुई थी, और बहुत सारे लोग ये मांग चल रहे थे कि अब जनगणना से सवाल नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन लोक सेवा आयोग की प्रवृत्ति के बारे में कोई नहीं जानता है। जो लोग RO AR O की परीक्षा दिए होंगे 2017 की, उन्हें पता होगा कि इस बार जनगणना से मोर देन 15 क्वेश्चन पूछे गए, तो इसलिए जनगणना को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। फिलहाल सवाल है कि यूपी में 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता की दर क्या है, ऑप्शन ए 70.05%, बी 68.21%, सी 67.68% या फिर डी 65.41%। और इसका सही जवाब क्या है ये आपको यहाँ पे बताना है, और सही जवाब आपका होगा कितना, 67.68%, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, इसमें जो मेल हैं उनकी साक्षरता कितनी है, 77.3%, और जो फीमेल हैं औरतें हैं उनकी कितनी है साक्षरता, 57.2% ये रखी गई है। और एक बात और भी आप ध्यान रखना कि जनगणना 2011 की तुलना में, सॉरी 2001 की तुलना में, अगर हम जनगणना 2001 की तुलना जनगणना 2011 से करें तो शिक्षा में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये सवाल भी कभी कभी पूछा जाता है, और इसका सही जवाब होगा 11.34%, यानी कि 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के अनुसार शिक्षा दर में वृद्धि हुई है 11.34%। ठीक है, और अगर शिक्षा के बारे में भारत उत्तर प्रदेश का जो स्थान है भारत के राज्यों में उसके बारे में बात करें, तो भारत के जितने भी प्रदेश हैं शैक्षिक स्तर पर अगर रखा जाए तो उत्तर प्रदेश का स्थान आता है 29, बिल्कुल नीचे 29वां स्थान है। ठीक है, तो ये फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए थे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल है करंट अफेयर्स पर आधारित, द RTI स्टोरी पावर टू द पीपुल नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ऑप्शन ए अरुणा राय, बी रोमिला थापर, सी के भागवत या फिर डी नियाज फारूकी। और सही जवाब आपने गेस कर लिया होगा, सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, द RTI स्टोरी नामक बुक किसकी तरह लिखी गई है, अरुणा राय के द्वारा। ठीक है, अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, ऑप्शन ए 21 मई, सेकेंड 22 मई, सी 30 मई या फिर डी 1 जून को। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका सही उत्तर क्या है, और सही उत्तर है ऑप्शन बी 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29।
धीरे धीरे यह मॉक टेस्ट अपनी समाप्ति की ओर है और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद भी आ रहा होगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय का सचिव 20 मई 2018 को किसे नियुक्त किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय का सचिव किसे बनाया गया है और इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए अमित खरे, बी ए के मित्तल, सी दिनेश जोगी या फिर डी रामकृष्ण सिन्हा। और सही जवाब आपने गेस कर लिया होगा, इसलिए उत्तर बताने का सही वक्त है और उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए अमित खरे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और ये रहा इस मॉक टेस्ट का अंतिम सवाल। किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को 18 मई 2018 को जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए रॉबिन सिंह, बी राहुल द्रविड़, सी लालचंद राजपूत या फिर डी सुनील गावस्कर। और सही जवाब आपका होगा, जी हाँ, ऑप्शन सी इज करेक्ट, लालचंद राजपूत। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि ये मॉक टेस्ट आपको पसंद आया होगा। जीएस का जो पोर्शन होगा वो चयन में निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि जो लोग अगर जीएस में 30 में से कम 22 सवाल सही सही कर लेते हैं, तो अगर वो 120 सवाल जो कि सब्जेक्ट पर आधारित होंगे, अगर उसमें वो ठीक ठीक 80 प्लस में रहते हैं, तो उनके चयन की संभावना बनी रहेगी। इसलिए जीएस को आप हल्के में मत लीजिए। रेगुलर रूप से अब मॉक टेस्ट आते रहेंगे जो कि बिल्कुल एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित होंगे, सारे जो टॉपिक्स कवर किए जाएंगे और इस तरीके से आप अपने स्कोर को हमारे साथ प्रैक्टिस करके बढ़ा सकते हैं। और याद रखें कि ये पूरा मॉक टेस्ट बिल्कुल निःशुल्क है और आपकी बेहतरी के लिए चैनल पर उपलब्ध है। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि मॉक टेस्ट आपको पसंद आया होगा, और चैनल को आपने अगर पहली बार आप चैनल पर हैं सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो यहाँ पर सब्सक्राइब का लाल बटन दिख रहा होगा, जल्दी से दबा दीजिए ताकि अगले मॉक टेस्ट में भी आप शामिल हो सकें, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, हमें आज्ञा दीजिए। और एक ज़रूरी बात और भी कहनी है आपसे, फीडबैक जरूर दीजिएगा कि मॉक टेस्ट आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।